हेलो, माय सेल्फ सुजीत दुबे एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, तो थ्री होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. होते हैं थ्री, मीन, मीडियन एंड मोड. थ्री टाइप्स के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, इसी के बारे में हमें डिस्कस कर रहा है. तो पहले हम ये देखते हैं कि तीनों क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक क्या है? मीन. पहला हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीन. Then the sum of all observations divided by number of observations is called as मीन. क्या कहते हैं? मीन कहते हैं. मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनको ऐड कर दो और डिवाइड बाय जितने लोग होंगे, मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर. फॉर एग्जांपल कैसे? क्या होगा? अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. मतलब एक्स बार क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. In notation, it is denoted by x bar is equal to sigma x upon n. Sigma x means where sigma kya hai? Summation hai. Summation means sum of observations. Then sum of observations upon n. Now, for example. जैसे क्वेश्चन लिया जाएगा, फाइंड मीन ऑफ द डेटा 10, 20, 30, 40, 50. देन एक्स बार विल बी हाउ मच? सिग्मा एक्स अपॉन एन. मतलब 10, 20, 30, 40, 50 अपॉन हाउ मच ऑब्जर्वेशन? 1, 2, 3, 4, 5. 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 10 150 अपॉन 5. कट करेंगे तो 5 3 15, 0 अपने आप लग जाएगा. आंसर क्या आया? 30. देन 30 विल बी मीन ऑफ द गिवन डेटा. तो इस तरह से हमारा मीन फाइंड होता है. अब हम पढ़ेंगे मीडियन. ओके, मीडियन डिपेंड करता है टू ऑब्जर्वेशंस पर. व्हेन, फर्स्ट व्हेन एन इज ऑड, देन मीडियन विल बी एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन.